अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपका टीम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में। कल सऊदी वजारत सेहत ने बहुत बड़े ऐलानात किए हैं फ़्लाइट्स के मतलब भी, और जो सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हालात वाक़ चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ब्रीफिंग दी है। मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो सऊदी अरब में डेल्टा वायरस फैल रहा है, अब ये बात समझ नहीं आ रही कि सऊदी अरब में तकरीबन डेली बेसिक पे 300-400 केसेज हो रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा कोरोना वायरस फैलता है वो डेल्टा, क्योंकि जो भारत में फैला था वो भी डेल्टा ही था, उसके बाद अमेरिका वगैरह में जो फैला है वो भी डेल्टा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब सऊदी अरब हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब में भी ये फैल रहा है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अब्बद अल अली ने कहा कि डेल्टा वायरस की मौजूदगी में मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में इसके केसेस रिकॉर्ड बढ़े हैं। वजारत सेहत के तर्जमान ने इतवार को नए कोरोना वायरस से मुतलक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वायरस की नई बदलती हुई शक्ल डेल्टा मुल्क में मौजूद है और यह वायरस फैल रहा है, वैक्सीन की एक खुराक इससे निपटने के लिए नाकाफी है। मुल्कत के मुतद इलाकों में डेल्टा रिकॉर्ड पर आ चुका है, यह वबा का बास बनने वाली असल वायरस से 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है। याद रहे कि सऊदी अरब में इतवार 22 अगस्त को कोरोना के 400 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि फाल केसेज की तादाद में भी कमी आई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कोरोना के 384 नए मरीज सामने आए, जबकि 737 अफराद से याबी हुए। अब तक 541,994 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 528,636 अफराद शफायाब भी हो चुके हैं।